मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग जेनेटिक डिसऑर्डर में ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज, ऑटोसोमल क्रोमोसोम पे ऑटोसोम क्रोमोसोमल रिसेसिव डिजीज के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोग सेक्स क्रोमोसोमल रिसेसिव डिजीज के बारे में डिस्कस किया था। ओके, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है सिकल सेल एनीमिया। ओके, सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहले आप जानो कि सिकल सेल एनीमिया क्या है। हम लोग बोलते हैं दिस इज ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। दिस इज ऑटोसोम रिसेसिव डिजीज। ठीक है, यानी कि ये वो डिजीज है जो ऑटोसोम क्रोमोसोम पे पाया जाएगा, है ना। जैसे हम लोग हेमोफिलिया देखे थे, कलर ब्लाइंडनेस से देखे थे, वो सेक्स क्रोमोसोम पे था, ये किस पे होगा, ऑटोसोम क्रोमोसोम पे होगा। ओके, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, है ना। हम लोग देखते हैं कि दिस डिजीज ये डिजीज ट्रांसफर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन जनरेशन व्हेन बोथ द पार्टनर आर कैरियर व्हेन बोथ द पार्टनर ठीक है, जब दोनों जो है, या बोथ द पेरेंट या पार्टनर आर कैरियर, जब दोनों जो है वो पार्टनर जो है वो क्या रहेगा, कैरियर रहेगा, तब ये जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक जाएगा। देखिए, सिकल सेल एनीमिया जैसे हम लोग देखे थे सेक्स क्रोमोसोम पे होगा, तो वहाँ पे दोनों कुछ अफेक्टेड, मतलब दोनों को कैरियर होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन इसमें जो है वो दोनों को कैरियर होने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम चाहे मेल हो चाहे फीमेल, सब में क्या होता है, सेम होता है, लेकिन सेक्स क्रोमोसोम मेल में एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स, ठीक है। तो सेक्स लिंक्ड जो रिसेसिव डिजीज है उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है, बट जो ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है इसमें हम देखेंगे कि ये ट्रांसफ़र करेगा एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, माने उसका अफेक्टेड बच्चा आएगा, है ना, जब दोनों पार्टनर जो है वो क्या हो, अफेक्टेड हो, सिकल सेल का कैरियर हो, यानी दोनों पार्टनर जो है वो सिकल सेल डिजीज का कैरियर होगा, यानी उसके ऑटोसोम पे सिकल सेल एनीमिया का जीन प्रेजेंट होगा, तो हम लोग देख सकते हैं कि ये जो है वो कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, इसका बच्चा अफेक्टेड होगा। हम लोग देखते हैं this disease is controlled by a single pair allele, ठीक है, ये कंट्रोल होगा किससे, सिंगल पेयर ऑफ एलील, जो क्या है, HBA HBS, ठीक है, इससे कंट्रोल होता है। आउट ऑफ थ्री पॉसिबिलिटी
हम लोग देखते हैं कि आउट ऑफ थ्री, आउट ऑफ थ्री पॉसिबिलिटी, तीन में से, ठीक है, पॉसिबिलिटी जीनोटाइप ओनली वन सो डिजीज, पॉसिबल जीनोटाइप ओनली वन सो डिजीज। अगर हम लोग जो है ये भी कि अगर ये दोनों का दोनों कैरियर रहे, है ना, सॉरी दोनों का दोनों मेल और फीमेल दोनों कैरियर रहे, अगर कैरियर रहेगा तो ये शो करेगा एच बी एच बी एस, है ना, अगर नॉर्मल रहेगा तो एच बी ए, बट अगर कैरियर रहा तो एच बी एच बी एस। तो अगर दोनों का कैरियर है फिर भी आप नहीं बोल सकते हो कि 100% जो है वो अफेक्टेड होगा, क्या पॉसिबिलिटी है, तीन बच्चे में एक, है ना, जैसे हम लोग ले मेल और फीमेल, ओके, लिए क्या मेल और फीमेल पार्टनर, ठीक है, हम लोग क्या देखते हैं इसमें कि हेट्रोजाइगस कैरियर ये भी क्या रहेगा, मेल कैरियर है, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया, और फीमेल भी जो है वो क्या है, कैरियर ऑफ सिकल सेल एनीमिया। दोनों क्या है, कैरियर है, किसका, सिकल सेल एनीमिया का, मेल भी और फीमेल भी, ठीक है, दोनों जो है वो क्या है, कैरियर है, ओके। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब दोनों कैरियर हो गया, किसका, सिकल सेल एनीमिया का, तो तीन बच्चे में एक में चांसेस होता है कि वो अफेक्टेड हो। अगर इसका हम लोग जीनोटाइप देखें तो हम लोग जीनोटाइप क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो है वो क्या होगा, एच बी ए होगा और एच बी एस, इसमें भी एच बी ए और एच बी एस, ये हुआ। अब हम लोग जो है वो जानते हैं कि दोनों को क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, तब जो है ये दोनों को हम लोग जब क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे जो है वो तीन पॉसिबिलिटी बनता है, ठीक है, जैसे एच बी ए आ गया तो एच बी ए ये आ सकता है, एच बी एस आ सकता है, है ना, क्या आ सकता है, एच बी ए एच बी एस आने, ये पुनः कैरियर हो गया, या एच बी एस एच बी एस आ सकता है, क्या आ सकता है, एच बी एस एस बी एस, तीनों तरह का पॉसिबिलिटी आ सकता है, है ना, ये तीन ही आ सकता है। अगर हम लोग इसको क्रॉस करके भी देखें, एच बी ए क्रॉस किए ये आ गया, एच बी एस क्रॉस किए ये आ गया, एच बी एस यही आ गया, एच बी एस, तीन तरह का ऑफस्प्रिंग आने की चांसेस बनती है, है ना, दो ये रहेगा, एक मैंने 50% कैरियर होने की चांसेस बनती है और 50% 25% नॉर्मल, 25% अफेक्टेड, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे अगर ये आया तो क्या आ जाएगा, नॉर्मल, क्या रहा, नॉर्मल, अगर ये आ गया तो क्या हो गया, कैरियर, और ये आ गया तो क्या हो जाएगा, अफेक्टेड। तो हम लोग देखते हैं कि अगर दोनों का दोनों पेरेंट है तब भी हम लोग नहीं बोल सकते कि उनका ऑफस्प्रिंग जो होगा वो क्या होगा, सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि तीन हम लोग देखते हैं कि मात्र 25% चांसेस है कि वो अफेक्टेड हो, बाकी 75% चांसेस है कि नॉर्मल भी हो सकता है,
भले उसमें 25% चांसेस बनता है कि वो कैरियर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 100% दोनों अगर आ गया तो कैरियर ही होगा। और सिकल सेल एनीमिया क्या होता है कि इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो सिकल सेल का हो जाता है, जिसके कारण से वो ब्लड को ब्लड जो है वो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं कर पाता, जिसके कारण से डेथ होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें कि सिकल सेल एनीमिया जो है वो ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है, ऑटोसोम लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। और हम लोग इसमें देखें कि ये डिजीज जो है ये तभी ट्रांसफ़र करेगा, तभी होगा बच्चों में, जब दोनों का दोनों पार्टनर यानी मेल और फीमेल जो है वो क्या हो, कैरियर हो। मेल और फीमेल दोनों क्या हो, कैरियर हो, तभी ये जो है अफेक्टेड हो सकता है। और उसमें भी हम लोग क्या देखें कि ये तभी अफेक्टेड हो, उसमें भी जो है मात्र 25% चांसेस बनता है कि वो क्या हो, अफेक्टेड हो। आप बाकी 50% चांस होता है कि वो कैरियर हो सकता है और 25% चांसेस होता है कि नॉर्मल भी हो सकता है। ये है आपका सिकल सेल एनीमिया का एक इंट्रोडक्शन। अब हम लोग देखेंगे काउजेज, ये आखिर होता कैसे है, इसको मिटा दें। तो ये सिकल सेल एनीमिया जो है वो होता कैसे है, क्या गड़बड़ी आता है। ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर है, यानी कि जीन में या क्रोमोजोम में गड़बड़ी होगा। हाँ, तो कुछ ऐसे ही होता है। हम लोग देखेंगे अभी सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है। सो ठीक है, ओके। तो इसका काउजेज क्या है, है ना, सिकल सेल एनीमिया का काउजेज क्या है, क्या कारण है कि ये होता है काउजेज। ठीक है, काउजेज हम लोग देखते हैं कि ये जो डिजीज है ना, दिस डिसऑर्डर इज काउज्ड बाय, हम लोग देखेंगे कि दिस डिसऑर्डर काउज्ड बाय, ये जो डिसऑर्डर है वो काउज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ऑफ ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है, सबसे ट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड। अब ये जो है ग्लूटामिक एसिड क्या है, आप लोग को पता होगा ये क्या है, ये एक एमिनो एसिड है। क्या है ये, एमिनो एसिड। और सब्स्टिट्यूशन टाइप ऑफ म्यूटेशन आप लोग देखे हो, पढ़े हो, है ना, क्या होता है, रिप्लेसमेंट होता है वहाँ पे। तो ये सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड है ना बाय किसके द्वारा, आखिर ये सब्स्टिट्यूशन होता है ग्लूटामिक एसिड के द्वारा, तो किसके द्वारा, बाय वैलिन। ठीक है, क्या हो जाएगा, ग्लूटामिक एसिड के जगह पे क्या आ जाएगा, आपका वैलिन आ जाएगा, है ना। और ये भी जो है वो क्या है, एमिनो एसिड है, यानी कि कुछ नहीं हुआ, क्या हुआ कि ग्लूटामिक एसिड जो है उस एमिनो एसिड के जगह पे क्या आ गया, वैलिन आ गया। ठीक है, ग्लूटामिक एसिड के जगह पे क्या आ गया, वैलिन। ठीक है, बस इसी के कारण ये काउज करता है, है ना। और ये का किस में अगर पूछे तो वैलिन किस में आएगा, तो हम लोग देखते हैं क्या कि एट द सिक्स पोजिशन ऑफ एट द सिक्स पोजिशन ऑफ, सिक्स पोजिशन ऑफ किस में, तो सिक्स पोजिशन ऑफ द बीटा ग्लोबिन चेन, ऑफ द बीटा चेन, बीटा ग्लोबिन चेन। ठीक है, तो बीटा ग्लोबिन चेन यानी बीटा ग्लोबिन क्या है, अगर आप लोग बात करो कि बीटा ग्लोबिन क्या है, तो बीटा ग्लोबिन जो है, ग्लोबिन जो है वो क्या, प्रोटीन है। ये क्या है, ये हमारा प्रोटीन है। ठीक है, और ये प्रोटीन, जैसे आप लोग हीमोग्लोबिन पढ़े हो,
एच बी शॉर्ट में क्या लिखते हैं हीमोग्लोबिन को, एच इक्वल टू हीमी और ग्लोबिन इक्वल टू प्रोटीन। ये क्या है, ये आयरन, इसका मतलब क्या होता है आयरन, और इसका मतलब क्या होता है प्रोटीन। ओके, तो हमारा जो ब्लड है वो क्या है, प्रोटीन और आयरन से बना हुआ है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्या, हीमोग्लोबिन, और इसको बोलते हैं मेटाइलो प्रोटीन। तो आप आयरन और प्रोटीन से बने हुए स्ट्रक्चर को देखें, आप क्या देखें कि ये और प्रोटीन जो है वो किससे बनता है, एमिनो एसिड से। हम लोग देखते हैं नंबर ऑफ एमिनो एसिड आपस में अटैच होता है, ठीक है, इससे पेप्टाइड बॉन्ड से, और तब बनता है आपका प्रोटीन। ठीक है, एमिनो एसिड जो है वो क्या बनाता है, प्रोटीन। हम लोग क्या देख रहे हैं कि बहुत सारा एमिनो एसिड रहता है, तो ग्लोबिन चेन जो रहता है उसका छठा पोजीशन पे होता है क्या, ग्लूटामिक एसिड। ये ग्लूटामिक एसिड छठा पोजीशन से हटा दिया जाता है और उसके जगह पे आ जाता है क्या, वैलिन। बस एक छोटा सा म्यूटेशन चेंजेज हुआ, म्यूटेशन मतलब क्या हुआ, सडन चेंजेज। और हम लोग क्या देखते हैं कि एक डिजीज हो जाता है जिसका नाम क्या है, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, तो ये जो है बीटा चेन वो किस में मिलता है, हीमोग्लोबिन में, है ना। हम लोग देखते हैं कि डाइट रिजल्ट, ठीक है, ग्लोबिन चेन, है ना, ग्लोबिन चेन अगर बोलो तो लिख देते ग्लोबिन चेन ऑफ ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स, ठीक है, किसमें, तो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है। और इसका रिजल्ट क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि डाइट रिजल्ट द शेप ऑफ आरबीसी, डाइट रिजल्ट द शेप ऑफ आरबीसी, है ना, डाइट रिजल्ट द शेप ऑफ आरबीसी चेंज फ्रॉम बाइकनकेव डिस्क जैसा होता है ये, उसमें ये चेंज कर जाता है टू इलोंगेटेड सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर, टू इलोंगेटेड इलोंगेटेड टू सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये इलोंगेटेड सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर जाता है, है ना। हम लोग देखें कि ये रिजल्ट करता है क्या, शेप ऑफ आरबीसी, आरबीसी का शेप जो है वो चेंज कर जाता है बाय कनकेव डिस्क टू इलोंगेटेड सिकल सेल लाइक स्ट्रक्चर, यानी जो बाय कनकेव स्ट्रक्चर में होता है हमारा हीमोग्लोबिन, उसका शेप जो है वो चेंज कर जाता है, किस शेप में आ जाता है, ये आ जाता है सिकल सेल लाइक, है ना। और चेंजेस क्या होता है, तो आप देखोगे कि नॉर्मल हीमोग्लोबिन का जो चेन रहेगा, है ना, नॉर्मल हीमोग्लोबिन है, ठीक है, चेन ये कैसा होता है, तो नॉर्मल जो हीमोग्लोबिन का चेन होता है उसमें हम लोग नॉर्मल हीमोग्लोबिन HbA जीन जो होता है वो क्या होता है, इसमें जो है, इस जीन में जो है नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो जीन होता है इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या रहता है, GAG, है ना, एक चेन जो रहेगा वो क्या रहेगा, GAG। और GAG का उल्टा क्या होता है, C, जैसे DNA अगर हम लोग देखें तो CG का उल्टा क्या, C guanine का किससे कंबाइन करता है, साइटोसिन से, एडेनिन किससे, थाइमिन से, और वानिन किससे, साइटोसिन से, तो CAC बनेगा।
ठीक है, जी ए जी जो है वो कंबाइन करेगा किससे, टी ए टी से। अब जब हम लोग जानते हैं कि एम आर एन ए जब बनेगा, एम आर एन ए, तो ये क्या करता है, ये टेम्पलेट स्टैंड को, टेम्पलेट स्टैंड को क्या करता है, कॉपी करता है। और टेम्पलेट स्टैंड को कॉपी करेगा तो यहाँ पे जो है ये छठा नंबर का जीन है वो क्या आ जाएगा, जी, ये छठा नंबर का जीन जो है वो क्या आ जाएगा, जी ए जी आ गया पुनः, क्योंकि ये टेम्पलेट स्टैंड इसको कॉपी करके ये बनाया है। ठीक है, इस तरह से नॉर्मल हीमोग्लोबिन जो रहेगा उसके छठा पोजिशन पर इस तरह का जीन रहेगा। तो हम लोग देखते हैं क्या कि यहाँ पे जो है वो आपस में जो एमिनो एसिड रहेगा वो क्या रहता है, एक नंबर पे जो है एक दो तीन चार पाँच छः सात इस तरह से रहता है लगा हुआ। तो हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो है ये छठा नंबर के लिए जीन है, ये सब जीन किसके लिए है, छठा नंबर के लिए। तो एक नंबर में वैलिन रहता है ग्लोबिन चेन में, दूसरे में जो है हिस्टाडिन रहता है, क्या रहता है, हिस्टाडिन, तीसरे में जो है वो क्या रहता है, ल्यूसिन, चौथे में जो है वो क्या रहता है, तो ल्यूसिन के बाद थ्रोम्बिन, फिर क्या रहता है, प्रो थ्रोम्बिन, है ना, क्या रहता है, प्रो थ्रोम्बिन, उसके बाद जो है क्या रहता है, ग्लूटामिक एसिड, आपका छठा में क्या रहता है, ग्लूटामिक एसिड, और सातवां में क्या रहता है, ग्लूटामिक एसिड। ठीक है, यानी कि सॉरी इसको हम लोग थोड़ा मिटा ही देते हैं, यानी कि ये हो गया एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पाँच, ये छः, यानी छठा नंबर के लिए जी ए जी जीन जो है वो हम लोग देखते हैं किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्लूटामिक एसिड के लिए, ये हो गया सात। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल अगर हीमोग्लोबिन चेन रहेगा तो इस तरह से एमिनो एसिड रहता है। और हम लोग यहाँ देखते हैं कि छठा नंबर पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड। बट जब सिकल सेल एनीमिया होगा तो क्या होता है कि सब्स्टिट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वैलिन, यानी ये छठा नंबर कहाँ पे, तो हम लोग लिखे हैं सिक्स पोजिशन ऑफ द ग्लोबिन चेन। ये ग्लोबिन चेन है, ग्लोबिन क्या, प्रोटीन, और प्रोटीन किससे बनता है, एमिनो एसिड, सब जो है वो एमिनो एसिड है। ठीक है, तो छठा नंबर जो है वो उसके पोजीशन पे क्या, ग्लूटामिक एसिड है, नॉर्मल केस में आ जाएगा क्या, वैलिन, और यही रिजल्ट करता है क्या, सिकल सेल एनीमिया। तो इसी को हम लोग जो है वो देखते हैं, इधर मिटा देते हैं, ठीक ना, कैसे होता है इस चीज़ को हम लोग जो है वो देखते हैं। जब सिकल सेल एनीमिया दोनों का दोनों पार्टनर जो अफेक्टेड होगा, है ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा म्यूटेशन हो जाएगा जिसको बोलते हैं क्या, सब्स्टिट्यूशन। तो हम लोग देखते हैं सिकल सेल एच बी एस जीन, है ना, सिकल सेल एच बी एस जीन। ठीक है, सिकल सेल जब होगा तो कैसा जीन होगा, एच बी एस, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस केस में हम लोग देखते हैं क्या कि इन दिस केस ए इज सब्स्टिट्यूटेड बाय, इन दिस केस ए इज सब्स्टिट्यूटेड, है ना, ए इज सब्स्टिट्यूटेड बाय किससे, टी से, यानी जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना, ये चेंज कर जाएगा किसमें, टी में। तो आप देखो कैसे होता है सब्स्टिट्यूशन, तो हम लोग देखते हैं इस कंडीशन में क्या चेंजेज आता है। हम लोग यहाँ सिंपली देखते हैं कि नॉर्मल जीन में जो है वो क्या था, जी ए जी, तो जैसे ये हीमोग्लोबिन वाला जीन आएगा तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे आता है जी टी जी, एक छोटा सा जो है वो क्या हो गया, चेंजेज हो गया जी टी जी। तो दूसरा क्या आ जाएगा, सी ए सी, और जब यहाँ पे एम आर एन ए बनेगा, क्या बनेगा, एम आर एन ए, एम आर एन ए, तो एम आर एन ए में इसको कॉपी किया तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ पे रहेगा जी, अब एडेनिन के जगह थाइमिन, तो थाइमिन नहीं आ सकता, आर एन ए के केस में थाइमिन रिप्लेस हो जाता है किससे, यूरासेल से, तो यहाँ क्या क्या, जी यू जी, ये कोड आ गया, है ना, ये जेनेटिक कोड आ गया। अब ये कोड जो है वो क्या करता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, ये कोड रिस्पॉन्सिबल होता है वैलिन के लिए,
किसके लिए? वैलिन के लिए, ठीक है। इधर सब सेम रहेगा, प्रोलिन, इधर जो है थायरोनिन, इधर जो है वो ल्यूसिन, इधर जो है वो आपका हिस्टाडिन, इधर जो है वो आपका वैलिन, ये सब है, ठीक है, सब है। लेकिन क्या हुआ कि छठा जो पोजीशन है ना, छठा जो पोजीशन है कौन सा? छठा जो हम लोग देख रहे हैं उसमें क्या आ जाता है, इसमें चेंजेज आ गया। यह हो गया एक नंबर हमारा, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर, पाँच, छः। छः में यहाँ क्या था, नॉर्मल कंडीशन में ग्लूटामिक एसिड था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, वैलिन, ठीक है। कैसे आया तो हम लोग एक छोटा सा देखते हैं, क्या चीज़ देखते हैं कि इन दिस केस ए इज सब्स्टिट्यूटेड बाय टी, यानी कि डीएनए में जहाँ ए था, क्या था, ए ए था, उस ए के जगह क्या आ गया, टी आ गया। अब ये टी आया तो ये जो है यहाँ भी चेंजेस करवा दिया, यहाँ क्या ले आया, ए ले आया, है ना। या आप बोल सकते हो कि ये टी इधर चला गया, ये टी इधर चला गया, मतलब कुछ भी। तो ये जो है छोटा सा चेंजेज हुआ सब्स्टिट्यूशन कि थायमिन रिप्लेस हो गया, सॉरी एडेनिन रिप्लेस हो गया किससे, थायमिन से। तो ये जो है एडेनिन जब थायमिन से रिप्लेस किया, यहाँ भी चेंज कर गया, और टेम्पलेट स्टेन में जब यहाँ ए आ गया तो एमआरएनए जो बना तो एडेनिन के अपोजिट वो कॉपी करता है, तो थायमिन, तो आरएनए के केस में थायमिन रिप्लेस होता है यूरासिल में, तो यहाँ क्या आ गया, यूरासिल, एक कोड बना क्या, जी यू जी। और ये कोड जो है रिस्पॉन्सिबल होता है वैलिन के लिए, यानी छठा नंबर पर जो है वो ले आया क्या, वैलिन। अगर जी ए जी रहता तो आता ग्लूटामिक एसिड, लेकिन क्या आ गया, जी यू जी आ गया, और ये कोड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो वैलिन के लिए। तो यहाँ छठा नंबर पोजीशन पे क्या आ गया, वैलिन। अब ये छोटा सा जो चेंजेज हुआ है ना पॉइंट म्यूटेशन के कारण, वो जो है वो काउज कर देता है क्या, वो काउज कर देता है क्या, सिकल सेल एनीमिया, पूरा का पूरा जो है वो ब्लड में हीमोग्लोबिन का जो स्ट्रक्चर है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और हम लोग क्या देखते हैं कि चेंज होने के बाद ये जो है वो काउज कर दिया क्या, डेथ काउज करेगा, क्योंकि जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर पाएगा ये ब्लड, तो हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा नहीं, जिसके कारण से लोगों का डेथ होता है, ओके। तो ये हमारा सिकल सेल एनीमिया था। अब हमको समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि ये सिकल सेल एनीमिया कैसे होता है, ओके। अब हम लोग जो है वो इसी से आगे अब चलते हैं, सिकल सेल एनीमिया के बाद एक और डिजीज है जिसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया हम लोग पढ़ लिए, और भी जो है ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है जिसका नाम क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। तो हम लोग हेडिंग डालते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है, फिनाइल कीटोन्यूरिया। अब ये जो डिजीज है फिनाइल कीटोन्यूरिया कैसा डिजीज है, हम लोग देखते हैं कि इट इज ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट, इट इज ऑटोसोमल ट्रेट्स, ठीक है। ये भी ऑटोसोम पे पाए जाने वाला डिजीज है या लक्षण है, है ना। हम लोग देखते हैं कि इन दिस डिसऑर्डर, इन दिस डिसऑर्डर एबनॉर्मल इंक्रीज इन द लेवल ऑफ फिनाइल एलानिन फिनाइल एलानिन इन द ब्लड, फिनाइल एलानिन इन द ब्लड ड्यू टू अब्सेंस ऑफ
ऑफ फिनाइल एलानिन या एब्सेंस ऑफ फिनाइल एलानिन हाइड्रोऑक्सीलेज, फिनाइल एलानिन हाइड्रोऑक्सीलेज। फिनाइल एलानिन हाइड्रोऑक्सीलेज, ठीक है, हाइड्रोऑक्सीलेज। ये हाइड्रोऑक्सीलेज क्या है? एंजाइम है। ये क्या है? ये एक एंजाइम है। और ये एंजाइम क्या करता है? ये जो है फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड का लेवल ब्लड में कम करता है। ये क्या करता है? फिनाइल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कौन? तो फिनाइल एलानिन हाइड्रोऑक्सीलेज। अब ये जो है ये रहा नहीं, ये अगर नहीं रहेगा तो क्या हो जाएगा? ब्लड में जो है फिनाइल एलानिन की संख्या लेवल जो है क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और ये बढ़ हो जाएगा तो क्या करता है? तो हम लोग देखते हैं कि एक्सेस, ओके, एक्सेस फिनाइल एलानिन, फिनाइल एलानिन, जब फिनाइल एलानिन एक्सेस हो जाएगा, चेंज इनटू फिनाइल पाइरुविक, चेंज इनटू फिनाइल फिनाइल पाइरुविक, किसमें चेंज कर जाता है? फिनाइल पाइरुविक में चेंज कर जाएगा पाइरुविक एसिड, विच डैमेज द ब्रेन एसिड, जो क्या करता है? डैमेज कर देता है, डैमेज द ब्रेन एंड चेंज द कलर। और क्या करता है? यूरिन के भी कलर को जो है वो चेंज कर देता है, साथ ही साथ बैकवर्डनेस, है ना, एंड क्या करता है ये? बैकवर्ड, ठीक है, बैकवर्डनेस इन चाइल्ड, चाइल्ड का जो है वो आदाश्त या उससे भूलने की क्षमता जो बढ़ जाएगी, वो भूल जाएगा, पिछला कुछ याद नहीं रख पाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग पढ़े क्या? फिनाइल कीटो न्यूरिया, ओके, और इससे पहले पढ़े क्या? सिकल सेल एनीमिया, ओके, थैंक यू।